यहां वहीं रुक जाओ। और जो तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो बोलो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आई इस लड़की को दोबारा से मेरे घर में लाते हुए? यहां ना लेके आता तो और कहां लेके जाता मामा? मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीवी है मेरी और अब ये इसी घर में रहेगी हमेशा के लिए। बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं जहां पूरी दुनिया के यतीम मस्किन मुंह उठा के चले आए और मैं कुछ भी ना कर सकूं। साथ साथ तुम देख रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना उनकी बातें, ये तुम्हारे सामने मेरा क्या हाल कर रही है? सोचो जब तुम यहां मौजूद नहीं होगे तो क्या सलूक करेंगी ये मेरे साथ? नौकर लड़की, तुम्हारी सब चालें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं और ये जो तुम डबल गेम चल रही हो ना, मुझे सब अच्छी तरह से अंदाजा है। ये तो साथ बेवकूफ है जिसे तुम्हारा असली रूप समझ में नहीं आ रहा, इसे तो सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हारी सब चालों को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूं। मेरी बात मानो, मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दो, मैं उनके साथ अस्पताल में रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ जलील नहीं होना चाहती, मुझे वापस जाना। तुम कहीं जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी। क्योंकि ये घर जितना मामा और मलाइका का है उतना तुम्हारा भी है। और मैं देखता हूं कि तुम्हें इस घर में कौन जलील करता है या इस घर से कौन निकालने की कोशिश करता है। तुम क्या कह रहे हो साथ? दो टके की लड़की के लिए तुम मेरे मुंह को आओगे? नहीं है ये दो टके की लड़की, क्योंकि मेरे नाम पे जितने प्रॉपर्टीज और जितने शेयर्स थे ना, वो मैं हक मेहर में इसके नाम कर चुका हूं। तो अब ये हैसियत में हमारे बराबर है मामा, यही चाहती थी ना आप? आज के बाद मुझे हाथ लगाने मुझसे बात करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा और अपनी बेटी को भी अच्छी तरह समझा दीजिएगा।